अगर अपने जीवन के हर पल आप ऐसे हैं, तो आपने अपनी कर्म पहेली को 90% सुलझा लिया। बाकी बचे 10% के लिए मैं हूं। कर्म मतलब कार्य। चार तरह के काम किए जा सकते हैं, शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और ऊर्जा द्वारा। इन सभी में ऊर्जा द्वारा किया गया काम सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे लंबे समय तक रहता है और सबसे ज्यादा मुक्त करने वाला भी, अगर सही तरीके से किया जाए तो। अगर आप इसे गलत ढंग से करें, ऊर्जाओं द्वारा गलत ढंग से किए गए कार्य का किसी के जीवन पर प्रभाव कहीं ज्यादा होता है। गलत तरीके से किए गए शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक कार्यों की तुलना में, तो गलत तरीकों से किए गए ऊर्जा कार्यों का क्या मतलब है? एक चीज ये कि दुर्भाग्यवश मुझे ऐसी कुछ चीजें देखनी पड़ी जो मैं नहीं देखना चाहता था। कुछ लोगों ने, जिनकी ऊर्जाएं थोड़ी लचीली हो गईं, कुछ खास तरह के योग अभ्यास से या खास तौर से किसी एक विशेष दीक्षा से, उन्होंने उसका गलत उपयोग करने की कोशिश की। ऐसे कुछ ओवर स्मार्ट लोग हैं, जब आप उन्हें दीक्षित करते हैं और जब ये हाल ही में हुआ हो और वो ऊर्जा से फूट रहे होते हैं, तो वो इसका इस्तेमाल किसी और चीज के लिए करना चाहते हैं। वो इससे किसी पड़ोसी को इम्प्रेस करना चाहते हैं या कुछ पैसे बनाना चाहते हैं या और किसी चीज के लिए, जिसे उनकी खुशहाली के लिए भेंट किया गया था, उन्होंने उसके इस्तेमाल की कोशिश किसी और चीज के लिए की। या एक बेहतर उदाहरण ये होगा, देखिए, आप किसी नकारात्मक काम को कई तरह से कर सकते हैं। एक तरीका ये कि आपने यहां बैठे हुए सोचा कि किसी को जिसे आप पसंद नहीं करते उसे मर जाना चाहिए या उसे आप कैसे मारें, ये तक सोच लिया। इसका आप पर एक स्तर का प्रभाव होगा। एक दूसरे स्तर पर आपने बस सोचा ही नहीं, इसके साथ एक तीव्र भावना भी जोड़ दी। अब इसका आप पर कहीं ज्यादा प्रभाव होगा। आपने इस विचार और भावना पर सच में काम कर डाला। अब इसका आप पर और भी ज्यादा गहरा प्रभाव होगा। अब आप यह समझ रहे हैं कि अगर आपने ये चीजें की तो इसके परिणाम होंगे। तो आपने एक नया तरीका खोज लिया। आपने किसी ऐसे को ढूंढ लिया जो कुछ खास तरह के ऊर्जा कार्य करेगा, जिससे कि ये आदमी जिसे आप पसंद नहीं करते मर जाएगा। इस तरह का पूरा एक विज्ञान है। चार में से एक वेद, अथर्व वेद में यह बताया गया है कि कैसे ऊर्जाओं का इस्तेमाल अपने फायदे और दूसरों के नुकसान के लिए किया जा सकता है। आपने ये शब्द सुने होंगे, जैसे काला जादू, वूडू या जो भी आप इन्हें बोलें, जहां लोगों ने किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए ऊर्जा का गलत इस्तेमाल करना सीखा है। एक बार आप किसी और पे ऊर्जा के स्तर पर प्रभाव डालने की कोशिश करते हैं अपने किसी फायदे के लिए, अब ये सबसे गिरा हुआ और गंदा कर्म होगा, क्योंकि इसका प्रभाव आप में बहुत गहरा उतरेगा, क्योंकि आपने इसे करने के लिए अपनी ऊर्जाओं का इस्तेमाल किया। इसलिए मैं शांभवी जैसी सरल प्रक्रिया में भी दीक्षित करने से पहले आपको इस दुनिया की मां बनने के लिए कहता हूं, ताकि आप कभी भी इसका दुरुपयोग ना करें। आप सबको अपना ही देखें, क्योंकि ऊर्जाओं में यह विस्तार एक बहुत गहरी जिम्मेदारी के भाव के साथ होना चाहिए। ऊर्जाओं में यह विस्तार दूसरों को खुद में शामिल करने के गहरे आयाम के साथ होना चाहिए। समावेश के भाव के बिना अगर आप ऊर्जाओं का इस्तेमाल करेंगे तो यह सबसे नीच कर्म होगा। तो आप में से वो जो दीक्षा के बाद अपने जीवन में नाटकीय रूप से परिवर्तन होते देख रहे हैं, आपको इसका ख्याल रखना ही होगा। आपको इसका बहुत बहुत ध्यान रखना होगा कि आप रूपांतरण की इस क्षमता का किसी भी, कभी भी किसी और चीज के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश ना करें। जाहिर है, आप में से कुछ लोग सोचेंगे कि किसी को स्वस्थ करके या और किसी तरह से किसी के जीवन के साथ कुछ करके आप एक बहुत महान काम करेंगे। नहीं, यह सबसे गंदा काम होगा, क्योंकि जब आप ऊर्जाओं के इस्तेमाल की कोशिश करते हैं पर अभी भी आप में गुस्सा बचा है, अभी भी आप सीमाएं खींचते हैं,
कि आप क्या हैं, क्या आप नहीं हैं, क्या आपका है क्या नहीं है, जब ऐसी चीजें अभी भी बची हैं, तो आपको कभी भी ऊर्जा के स्तर पर कुछ भी करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ऐसे किसी कार्य का प्रभाव बहुत बहुत गहरा होगा। इसलिए शांभवी जैसी बुनियादी प्रक्रिया में भी दीक्षित होने के लिए आपको इस दुनिया की माँ बनना चाहिए, और ये आपके कर्मों को परास्त करने का भी एक बेहतरीन तरीका है। अगर अपने जीवन के हर पल में आप समावेश के इस भाव के साथ जिएं, जैसे आप सारी दुनिया की मां हैं, और ये भेद ना करें कि क्या आपका है और क्या आपका नहीं है। अभी शायद आप में ये भेद बचा रहे कि क्या आप हैं और क्या आप नहीं हैं, पर कम से कम अगर आप क्या मेरा है और क्या मेरा नहीं है इसे खत्म कर दें, तो आपने अपने कर्मों की गुत्थी को 90% सुलझा लिया। मेरा विश्वास कीजिए, 90% कर्मों के सभी आयामों में से आपने 90% सुलझा लिया। बाकी 10% के लिए मैं हूं।